फ्रेंड राधे राधे आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी सब्जी एकदम अलग तरीके की सब्जी लाई है आपने ऐसे कभी सब्ज़ी खाई नहीं होगी विश्वास भी नहीं करेंगे कि मैंने ये वाली सब्जी खाई है ये हमने बन सब्जी है हमारी ये केले के फूल की है जो केले निकलते हैं और जो उसके आगे सा लटका रहता है वो केला होता केला का फूल होता है इस तरह से होता है केले के पत्ते की एक एक पंखुड़ियाँ निकालते जाएंगे और इस तरह से ये पीले पीले हैं इसे हम सब निकाल देंगे एक एक पंखुड़ियाँ देखिए निकालने पे इस तरह से ये निकलना है फिर उसके बाद उसके बीच में इस तरह से ये निकल जाता है पंखुड़ियाँ निकालने के बाद सारी हम पंखुड़ियाँ निकालने के बाद इस तरह से ये बीच में हो जाता है अब इसे हम पतले पतले पूरी पंखुड़ियाँ को निकाल देने फिर इसे पतले पतले में हमें काट देना है इस तरह से सारे निकाल देना है अब इसे हम बारीक बारीक जो बीच में एक वाइट कलर का बचता है उसको भी हम बारीक बारीक करके काट लेंगे इस तरह से और जो ये पंखुड़ियाँ जो मैंने निकाली है उसके बीच में एक लंबा सा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा काला सा लगा रहता है उस पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी को निकाल देना होता है क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है जो ये वाइट कलर की पंखुड़ियाँ पड़ी हैं उसी में से एक काले रंग की होती हैं उसके ऊपर नोक पे पंखुड़ियाँ तो कई होती हैं लेकिन उसके ऊपर एक काला सा लगा रहता है उस पंखुड़ी को निकाल देना रहता है और इससे कड़वाहट नहीं होती इस तरह से हमने उसके बीज के, के तो बारीक बारीक काट लिया है सारे को बारीक बारीक काट लेना है ये सब्जी बनवाए बनाने पे आपको जब खाएंगे तो एकदम नॉनवेज भी इसके आगे फेल हो जाएगा बहुत टेस्टी बनता है आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं अब हमने इसके बीज के काट लिया है अब उसकी जो हमने पंखुड़ियाँ निकाली थी और ये हमने पंखुड़ियों को भी काट लेना है बारीक बारीक करके और हमने सारे पंखुड़ियाँ को बारीक बारीक करके काट लिया है इस तरह से आप देख रहे हैं फिर इसमें हम सारा हमारा जब कट जाए फिर से हम अच्छे से धो लेंगे फिर अच्छे से धोने के बाद इसमें हमने एक प्राइफेन लिया है प्राइफेन में हम पानी डालेंगे और इसमें हमने एक गिलास के लगभग पानी डाल दिया है और ये केले के फूल को धो के हमने इस पानी में डाल दिया है और पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे फिर इसके बाद इसे हम गैस पे रख देंगे इसको हमने मिक्स कर लिया है और हमने गैस पे रख दिया है इसे जब एक खोला आ जाएगा तब इसको हम उतार देंगे थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए उसके बाद इसे हम उतार देंगे अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं हमने ये मिक्सर ले लिया है उसमें हमने खड़ा धनिया डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है और कुछ गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें इलायची और दो लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और ये देखें हमारा खोल गया और हो गया है अब इसका हम पानी निकाल देंगे सारा पानी हमको निकाल देना है इसका अलग कर देना है प्लेट में अब इसको हमने पानी को पानी से बाहर निकाल दिया है दूसरे प्लेट में रख दिया है और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें अब हमने कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल दी है दो चम्मच के बड़े चम्मच के लगभग और इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डालना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा जब हमारा चटक जाए तो उसमें एक तेज़ पत्ता और इसमें हमने डाली है बारीक कटा हुआ प्याज अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए लहसुन भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब उसके बाद इसी हमने और जो हमने पेस्ट बनाया था धनिया लहसन वसन का वो हमने इसमें डाल दिया है इसे भी हमने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था और ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ती, बिना तीखी वाली डाल दी है हमने और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी और आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसे हमने मिक्स कर दिया है मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना और ये हमने पानी डाल दिया है जो मिक्सर में पीसा था उसमें उसी से पानी डाल दिया है और ये हमारा अच्छे से मसाला रेडी हो गया है इसे अच्छे से भून लेना है ताकि जो तेल है साइड साइड में आ जाए तो पता चल जाएगा कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसे हम देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ आलू हमने भी एक इसमें आलू ले लिया था बड़ा ये हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है इसे भी हमने मसाले के साथ भुना है और ये हमने केले के फूल को भी उसी में डाल दिया है मसाले के साथ ही अब दोनों एक साथ भुनेंगे और थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाल दिया है उस टाइम हमने नमक नहीं डाला था अब इसमें नमक डाल दिया है अब इसे मसाले के साथ पहले थोड़ा सा भुनेंगे एक से दो मिनट के लिए क्योंकि आलू भी थोड़ा सा भुन जाए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सब्ज़ी केले की सब्ज़ी और इसको हम एक मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे ताकि जो आलू है और जो केले के फूल हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और ये देखिए अब इसमें हमने हल्का सा पानी डाल दिया है जब दोनों को हमने भून लिया है आलू को और केले के फूल को फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दिया है अब इसे हम एक से दो मिनट के लिए ढक धक देंगे ढकने के बाद उसे हम फिर देखेंगे कि हमारी सब्जी बन गई है ये हमने देखिए ढक दिया है अब इसे हम देखेंगे देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में तो इसका स्वाद एकदम नॉन की तरह है आप यकीन नहीं मान रहे तो एक बार इसको आप ज़रूर बना के देखें ये हमने भी पहली बार बनाई है लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और इसमें हमने एक नींबू डाल दिया है आप इसमें नींबू ज़रूर डालिएगा हमने टमाटर नहीं डाला था तो नींबू डाल दिया या फिर अमचूर पाउडर डाल इसमें आप डाल सकते हैं अब इसे हम मिक्स करेंगे पहले मैंने एक नींबू इसमें डाल दिया है थोड़ा सा खट्टा लगेगा तो बहुत ही टेस्टी आएगा अब इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है आप इसे हमारी सब्ज़ी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि केले के फूल की सब्ज़ी कैसी बनी थी इसमें हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है अब इसे हम मिक्स करके फिर इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे यह हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है केले के फूल की सब्ज़ी और ये हमने प्लेट लगा ली है और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें नई नई रेसिपी आपको हम दिखाते रहेंगे धन्यवाद